दोस्तों, कपिल शर्मा जी का नाम जब नाम आता है तो आदमी अपने आप हंसने लगता है, अकेला बैठने हंसने लगता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कपिल ने बहुत मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और आज बड़े बड़े स्टार यहाँ पर इनके शो में आने के लिए तरसते हैं, जहाँ वेटिंग में खड़े हैं। कईयों को चांस मिलता है और बहुत से लोगों को चांस नहीं मिलता। कई यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान, दीपिका पादुकोणे और अक्षय कुमार तो इसमें बहुत बार आ चुका है और अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार आ चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए। लेकिन आपको ये बात सुन के बड़ी हैरान की होगी कि एक समय कुछ ऐसा भी आया था जब यहाँ पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। बार बार अप्रोच करने पर कोई भी हीरो नहीं आता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और ये है जब कपिल शर्मा ने अपना नया शो स्टार्ट किया था। ये बात है 23 अप्रैल 2016 की। जब कपिल शर्मा ने शो शुरू किया तो उन हर हीरो के पास उन्होंने फ़ोन किया या मिलने गए, पर कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। थक के, परेशान होके, जब मायूस हो गए, तभी कपिल शर्मा को एक बात याद आई कि धर्मपा जी, वो कभी किसी को मना नहीं करेंगे। मैंने सुना, क्योंकि वो भी पंजाबी है और उसने भी सुना था कि धर्मपा जी किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये बचपन से ही वो सुनता आया था। तो अचानक उन्होंने धर्म जी को फोन किया और धर्म जी एक पल में बोले, हाँ क्यों नहीं आऊंगा। लो सुनिए, उन्हीं से बात पहले सुन लीजिए, ये दोनों कैसे बात कर रहे हैं, कपिल और धर्म जी, पहले शो में। जिस शख्सियत को बुलाया है आपको बताओ कौन है? डैशिंग, हैंडसम, द मोस्ट लवेबल पर्सन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली धर्मेंद्र पाजी। वेलकम पाजी। वो कहते हैं कि मिट्टी को अगर हवा का सहारा मिल जाए ना तो वो आंधी बन जाती है। आज सिद्धू जैसी मिट्टी को आंधियों का सहारा मिल गया। ठोको ताड़ी गुरु। अब ये लोगों को पता चलेगा, जो लोग मेरे को बोलते हैं दो दो रुपए की मैगजीन भेजता हूँ, वो भी साथ में शैंपू। देखा कौन आया मेरे इंटरव्यू में? क्यों भाजी? बिल्कुल। और सही सही बंदे को इनवाइट किया हमने, क्योंकि एक यही शख्स है जो कभी किसी को मना ही नहीं कर सकते। ओ यार, तू ठीक कह रहे हैं बच्चे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो मैं शुरुआत में स्ट्रगल थी, उसके बाद एक के बाद फिल्में इतनी मिल गई कि मैं दो दो शिफ्टें करने लगा। तो मेरे एक प्रोड्यूसर भाटिया जी मुझे कहने लगे, तुम यार इतनी फिल्में क्यों करते हो, कम फिल्में किया करो ना। मैं कहा, भाटिया जी मुझसे ना नहीं होती, क्या करूँ। कहते, शुक्र है तुम लड़की नहीं। कि मोहब्बत आपकी ना देती रोशनी घर मेरे नाम को। मोहब्बत आपकी ना देती रोशनी घर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। परी, आप अपने सिंहासन पे गिरा दिए। तो ऐसे धर्म जी ने बहुत लोगों के कैरियर सवारे और उनमें से एक कपिल शर्मा जी भी थे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त।